मैं इमरान सैयद, आप देख रहे हैं एमएम टाइम न्यूज। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो अपने बेटे के घर से जाने के गम में बहुत ही दुखद है। आइए जानते हैं हम उनसे क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकबर। अकबर भाई, क्या हुआ था ऐसा जो आपका बेटा घर से लापता हुआ, आप बताएंगे हमारे चैनल द्वारा? ऐसा है, मेरे भाई भाइयों में हम दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पे उसका लड़का, मेरा लड़का है, उसकी लड़की है, हमने आपस में शादी किया। तो वो उसका नाम, हम दोनों भाइयों में शादी, जब झगड़ा हुआ तो वो उसने मेरी औरत पे हाथ छोड़ा, मेरे भाई ने, तो मेरे लड़के ने। ऐसी कौन सी बात हुई थी जिससे बातचीत हाथापाई तक बदली हो गई? वो कुछ कहिया सुनिया घर के आपस का मैटर था। बोलता है इसका नाम, मेरे तुम्हारा लड़का कुछ कमाता नहीं है, कुछ देता नहीं है, मेरी लड़की। तो आपका लड़का जॉब क्या करता था? साथ में रहता है उसी के, उसी के संग रहता है, वहीं खाता है, उन्हीं। नहीं मतलब आपका लड़का कुछ कामकाज वगैरह? दवा खाने में उसी के संग रहता है, नासिक में। अच्छा, नासिक में वहीं पे जॉब करता था? जी, साथ में रहता था। तो ऐसा क्या हो गया जो आपका लड़का घर से लापता हो गया? उसने क्या टॉर्चर दिया? मतलब ये शादी आपके आपस में रिश्तेदारों में? आपस में भाई भाइयों में हुई हम लोगों। तो ऐसा क्या उन्होंने बोला कि वो इतना नाराज हो गए? टेंशन में हो गया। जो ने घर मुझसे बोला, मैं आ रहा हूँ पापा, मैं सुबह में तक आ जाऊँगा, तो अभी तक पहुँचे ही नहीं। तो मतलब कितने बजे वो घर से निकला था, कुछ आपको आइडिया? 11 बजे बता रहे निकला था नासिक से। तो आपकी लास्ट बात कब तक हुई थी उससे फोन पर? सुबह में मतलब 4 बजे तक हुई। 4 बजे के बाद? 4 बजे के बाद फिर उसका ना फोन मतलब ओके ना बंद बता रहे सब। तो आपने उसके बाद पुलिस स्टेशन वगैरह में? स्टेशन में गए तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। जब आप वो 4 बजे लापता हुआ, तो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी और किस वक्त, कौन सा वक्त? 13 तारीख थी। 13 तारीख? 13 तारीख। तो 4 रात के 4, सुबह के 4 बजे 13 तारीख के सुबह के 4 बजे से वो लापता है जी। तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? तो पुलिस स्टेशन में जाकर वो बोले 24 घंटे में देंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिपोर्ट लिखा, तो अभी तक कोई सुनवाई दे ही नहीं रहे। उसका नाम है सलमान खान। तो आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ पे रहता हूँ रजिया, इसमें रजिया बिल्डिंग में। रजिया बिल्डिंग में जी। तो मतलब आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा मतलब घर ही तो नहीं आया? फोन लगा रहे हैं, उठा ही नहीं रहा जब से। तो पुलिस स्टेशन में कुछ आपको आश्वासन या कुछ बोला गया? अभी तक बुका रहे हैं, आज होगा कल होगा, अभी कर रहे हैं, जानकारी चालू है सब। तो आप किससे, कौन से ऑफिसर से या कौन से आला अधिकारी से आपने मुलाकात करी थी इस मामले को लेके? अधिकारी तो मालूम, मुझे मालूम नहीं कौन है, रिपोर्ट उन्होंने दी थी। तो रिपोर्ट में आपको मिसिंग रिपोर्ट लिख के दी गई, उसके बाद कोई एक्शन पुलिस के द्वारा लिया नहीं अभी तक? तो कोई दे नहीं रहा। तो आप हमारे चैनल द्वारा, आपके बेटा अगर या देख रहा रहेगा या कोई देख रहा रहेगा, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? जहाँ पे भी मेरा बच्चा हो आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। जैसा कि आपने देखा कि सलमान के पिता जो बहुत ही अपने 30 वर्षीय बेटे के घर से लापता होने के लिए बहुत गमगीन है, तो अगर सलमान आप भी अगर कहीं वीडियो या हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, तो आप आपके पापा से कांटेक्ट करिए, उनको दिलासा दीजिए। और ये है उस सलमान की तस्वीर, अगर आपको कहीं पर भी ये दिखता है या कहीं पर भी आपको दिखाई दे, तो हमारे नीचे एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारे द्वारा भी डिटेल दे सकते हैं। और इनके पापा का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो वो भी देख के आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देखिए, अगर आपके कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, या उनके वालिद को अगर आप जानते होंगे, जान पहचान में होंगे, तो उनसे संपर्क करें। तो ऐसी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एमएम टाइम न्यूज़। हमें आपके साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।